सुन ले सदा। ये बाहर गरीबों में बांट दो। तुम दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। सानिया, तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी। अभी आपको बहुत बहुत मुबारक। शकील भाई, आपको भी मुबारक। ये मुलाजमो में मांगते ना। जी मैम सर। सानिया, अनुषा आज से मेरी बेटी हो। ये तो हमेशा से ही आपकी बेटी थी भाभी जान, बस आज से आपकी अमानत हुई। जीती रहो। अस्सलामुअलैकुम चाची। अरे आ गई तुम आयशा। जी अभी अभी। अच्छा सुनो, वो एहतशाम ने अपने दोस्तों की दावत रखी है, बाकी सब तो हमने बना दिया, पर तुम्हें पता है ना कि बिरयानी हमसे नहीं बनती, चावल संभलते ही नहीं है। तो अब तुम आ गई हो, तो अगर तुम्हारे पास वक्त हो। आप बेफिक्र रहें, मैं बना दूंगी। तुमने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। जाओ बेटा, तुम थक गई होगी, फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक चावल निकाल देती हूँ। मैं बस अभी चेंज कर आती। मुश्किल हल कर दी मेरी, खुश रहे ये बच्ची। भाभी, वो एहतशाम जवेरिया को पसंद करता है और मैंने गलतफहमी में आपसे आयशा का रिश्ता मांग लिया। जब आयशा को पहली बार देखा था तो उसको देखकर मेरे दिल में ख्वाहिश जागे थे, काश इस लड़की को मैं अपनी बहू बना सकती। मुझे क्या मालूम था अल्लाह ताला ने मेरी इस दुआ को इस तरह से कबूल कर लिया। आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, बिरयानी बना रही थी। वो एहतशाम ने उसके दोस्तों की दावत है, चची ने कहा कि बिरयानी बना दो, बस दम पे रखी हुई। तो आपने मना क्यों नहीं किया चची को? अगर एहतशाम ने अपने फ्रेंड्स को बुलाया था तो बाहर से खाना मंगवा लेता ना, हमने ठेका तो नहीं लिया हुआ उसका। वैसे तो वो आपको पसंद नहीं करता, काम के टाइम पे आप ही याद आ गई है। चलो कोई बात नहीं, चची ने हेल्प मांगी तो मैंने कर दी, इट्स ओके। आयशा बेटा, दम आ गया बिरयानी को? वो एहतशाम के दोस्त आ गए हैं तो मैंने कहा खाना लगा दूं। जी चची, बस दम पे रखी हुई है। और हाँ, रायता और सैलेड भी बना दिया था मैंने साथ में। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, रायता और सलाद तो मैं भूल ही गई थी। आप ही तो सबके साथ अच्छा ही करती हैं, मगर दूसरों को भी तो सोचना चाहिए कि वो आप ही के साथ क्या कर रहे हैं। चची, वैसे तो आपके बेटे को मेरी बहन जहर लगती है। हाँ, अब काम के वक्त पे आयशा 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 की टर्टर शुरू कर दी उसने। जवेरिया, मैंने तुमसे तो कोई काम नहीं कहा ना। जब आयशा को कोई एतराज नहीं है तो तुम क्यों बोल रही हो? मगर मुझे एतराज है। आप ही को तो कभी किसी बात से एतराज नहीं होगा, उनको तो जो आप कहेंगी वो खामोशी से जाके करती रहेंगी। इसी बात का नाजायज फायदा उठा रही है ना आप चची। जवेरिया आहिस्ता बोलो, नीचे मेहमान आए बैठे हैं और तुम्हारी आवाज नीचे तक जा रही है। तो जाती है तो जाए, सुनना है जिसको सुन ले, सच बोलते हुए कैसे डर। हद हो गई बदतमीजी की, बहुत लंबी जुबान होती जा रही है इसकी। जाके लगाती हूँ शिकायत भाभी को। चची बात सुन,
क्या जरूरत थी चाची को नाराज करने की? वाह भाई वाह, ये सही है, नेकी कर और दरिया में डाल। आप ही के लिए तो कह रही थी मैं। आप ही एहतिशाम ने कितना गलत किया आपके साथ, आपसे रिश्ता तोड़ दिया उसने। आपको अभी भी उसकी और चच्ची की नाराजगी की परवाह है? नफरत होने लगी है मुझे इन दोनों से। तो इन दोनों की चाबियां। अच्छा किया जो तुम आ गई, मैं तुम्हें फोन करने वाली थी। मेरा बहुत दिल घबरा रहा था इसलिए आ गई, सोचा तुमसे बातें करूंगी तो ठीक हो जाओगे। अच्छा किया। अभी करते हैं बातें, पहले मैं तुम्हें मिठाई खिलाती हूँ। सुरैया मिठाई ले भी आओ। मिठाई किस खुशी में? पहले खा लो फिर बताती हूँ किस खुशी में। ये ले। मिठाई मैं खा लूंगी, तो मुझे बताओ तो सही किस खुशी में खिला रही हो? अस्वद का मैंने रिश्ता तय कर दिया है अनुषे के साथ। क्या बात, इतनी परेशान क्यों? कहां चली गई थी? नाहिला, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। क्या बताऊं आपको, यास्मीन ने आयशा के रिश्ते की बात की थी मुझसे। अच्छा, तो खुशी की बात है, अच्छे लोग हैं, इज्जत दौलत खानदान, अल्लाह ताला ने हर शय से नवाजा उन्हें, फिर और क्या चाहिए। नायला, तुम फौरन हाँ कर दो। पहले आप मेरी बात तो मुकम्मल होने दे, मैंने अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। क्या मतलब? असल में यास्मीन आयशा को बहुत पसंद करती है और वो अपने बेटे की दुल्हन बनाना चाहती है, और मेरी गलत फहमी की वजह से, मेरी बेवकूफ़ी की वजह से मैंने यास्मीन से कह दिया कि आयशा का रिश्ता एहतिशाम से तय हो गया। कितनी बेवकूफ होना मैं, मेरी वजह से मेरी बच्ची का इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया। नायला, एक बार यास्मीन से जाके बात कर लो तो। अब बात करने का क्या फायदा, यास्मीन ने अपनी देवरानी की बेटी अनुषा से अपने बेटे का रिश्ता तय कर दिया है। सच बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे, इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया, मेरी बच्ची कितना खुश रहती वहां पर। जुबान देखी है तुमने उस लड़की की, किस कदर मुंह फटे, वो जो मुंह में आए वो कह देती है। मुझे जवेरिया जैसी जुबान दराज लड़की को अपनी बहू बनाकर अपनी और तुम्हारी जिंदगी अजाब नहीं करनी है। अम्मी क्या हो गया आपको, अब जानती तो हैं जवेरिया को, बचपन से ऐसी है वो, कम से कम दिल में जो बात होती है वही जुबान पर होती है, दूसरों की तरह मुनाफकत नहीं रखती वो दिल में। अब मुझे ऐसी ही लड़कियां अच्छी लगती है बस। वाह बेटा वाह, इसीलिए कहते हैं मोहब्बत अंधी होती है। तुम्हारी अकल पर तो पर्दा पड़ गया जो तुम्हें जवेरिया की खामियां भी उसके खूबियां नजर आ रही हैं। अम्मी आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? अच्छा मेरी बात सुने, एक बार मेरी उसे शादी हो जाएगी ना, उसके बाद जैसे मैं चाहूंगा वैसे चलाऊंगा उसे, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ वो आपके साथ बदतमीजी नहीं करेगी, हरगिज नहीं करेगी।
अम्मी अम्मी प्लीज, आप ताईजान और ताईजान से बात करें ना प्लीज, मेरी खातिर। क्या हुआ, यहाँ क्यों बैठी हैं आप ऐसे? नींद नहीं आ रही बेटा, बहुत बेचैनी हूँ। कभी कभी गलत फैसले पछतावा बनकर आपका सुकून छीन लेते हैं। इंसान को अपना हर फैसला अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए ना। अल्लाह ने उसकी तकदीर में कुछ लिखा है तो वो उसको मिलके रहेगा, लेकिन अल्लाह ने उसकी तकदीर में जो नहीं लिखा वो लाख कोशिश भी कर ले उसे नहीं मिलेगा। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है बेटा, तुम मेरी बहुत प्यारी बेटी हो, मगर क्या करूं, अफसोस लोग तुम्हारा बातन नहीं जाहिर देखना चाहते। मैं आप लोगों की परवाह करना छोड़ देना, मैंने कहा ना आपसे कि अल्लाह ने मेरे नसीब में जो लिखा है मुझसे कोई नहीं छीन सकता, मुझे अपनी अल्लाह की जात पे पूरा भरोसा। मैं आजकल सूरत आल इमरान की तफसीर और तर्जुमा पढ़ रही हूँ। उसकी एक आयत का मफहूम है, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई भी तुम पे गालिब नहीं हो सकता, अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो उसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद करे। ईमान वालों को अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। मैं जिस दिन से ये सूरत पढ़ रही हूँ ना, दिली सुकून मिल रहा है मुझे, ऐसा जैसे कि हौसला सा हो गया जिंदगी में। अल्लाह पर भरोसा एक बहुत बड़ी नेमत है अम्मी, आप ना उम्मीद ना हो अम्मी, अल्लाह पर यकीन रखें आप भी। अल्लाह मेरी बच्ची का नसीब अच्छा करे। अच्छा उठे, बहुत देर हो गई है, आए। कुछ नहीं सोचना है आपने, किसी चीज पे परेशान नहीं होना आपने, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? इंशाल्लाह। अच्छा है। तुम्हारे घर वाले इतना ही प्यार और मोहब्बत करते हैं मुझसे, मुझे जाने ही नहीं देते। क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि कितने खतरनाक आदमी हो तुम और किसी खास मकसद से आए हो। हाँ वैसे मकसद तो काफी खास है। आप ना मेरे चचा का पीछा छोड़ दें, मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है। लगता है आज ईद का चांद दोपहर में निकल आया। ईद का चांद तो नहीं निकला, लेकिन बहुत जल्द तुम्हें दिन में तारे नजर आने वाले।
अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। नायला तुम बहुत खुश नसीब हो, अल्लाह ने तुम्हें दो बेटियां दी हैं। अब मुझे ही देखो, अकेली सारा दिन काम करती हूँ। सच पूछो तो बेटी की कमी बहुत शिद्दत से महसूस होती है मुझे। इतने सारे काम पड़े हुए हैं, हो गई नहीं दे रहे। मैं तो अकेली काम कर करके थक गई हूँ। अब तुम्हें तो पता है मंगनी के फंक्शन के इतने काम होते हैं, अब सारे काम मुलाजमों से तो नहीं करवाए जा सकते ना। काश मेरी भी बेटी होती। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो यास्मीन? तुम कहती हो तो मैं आयशा और जवेरिया को भिजवा देती हूँ, मेरी बच्चियां भी तो तुम्हारी ही बेटी है ना। सच कह रही हो नायला? अगर तुम ऐसा कर दोगी ना, कसम से मेरे बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे, काफी काम निबट जाएंगे। मैं समझ सकती हूँ, बहुत काम होते हैं। चलो मैं आयशा से कहती हूँ, ऑफिस के बाद वो तुम्हारे पास आ जाएगी। और जवेरिया को मैं तुम्हारे पास अभी भेजती हूँ थोड़ी देर में। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो ठीक है, खुदा हाफिज़। आयशा जी। अम्मी। बेटा और जवेरिया? अम्मी प्लीज, सारी बातें सुन ली हमने आपकी, मैं वे नहीं जाऊंगी, मैं बता रही हूँ। भाई पहले ही कम मुलाजिम है क्या उनके घर में जो उन्हें और जरूरत पड़ गई है? और अगर कम पड़े तो एक दो और रख ली। जवेरिया, अम्मी वो अफोर्ड कर सकते हैं ना, मैं इसलिए कह रही हूँ। अरे भाई, हर एक पे तो भरोसा नहीं किया जा सकता ना। मंगनी वाला घर है, लाखों का सामान है, कपड़े हैं, जेवर है, अब मुलाजमों पे तो भरोसा नहीं कर सकती ना। अगर तुम चली जाओगी, घिस तो नहीं जाओगी, कभी किसी के काम भी आ जाते हैं। आप ही है ना, आप ही आएंगी काम, उनको बहुत शौक है वैसे भी, उन्हें भेजे। मैं कोई मुलाजिम थोड़ी हूँ किसी की यार अम्मी, खुद सोचे आप। जवेरिया, अम्मी छोड़े उसे, आप यास्मीन आंटी को कॉल करके बोले कि आयशा आ जाएगी और सारे काम कर देगी। देखो आयशा, ये लड़की बहुत खुदसर होगी, मजाल है जो कोई भी मेरी बात मानती हो। छोड़े ना अम्मी उसे, अभी छोटी है, इतनी अकल नहीं उसे। अरे बेटा, तुमसे 2 साल ही तो छोटी है, तुमने मुझे आज तक तंग नहीं किया जितना ये लड़की मुझे तंग करती है, मेरी कोई बात नहीं मानती। गुस्सा ना चढ़ाए, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा बिला बचा। नहीं तो बंदी को किसी के काम भी तो आना चाहिए ना। यास्मीन की बेटी ही नहीं है, चलो जाके उनकी हेल्प करा दे। मुझे बता दीजिएगा, मैं सारे काम उनके कर दूंगी, ठीक है? अरे बेटा, तुम तो चली ही जाओगे ना, इसको भी तो एहसास करना चाहिए ना। मैं जाके कपड़े चेंज कर, आप आराम करें। आयशा वक्त कम है और बहुत सारे काम पड़े हुए हैं बेटा। ये दुपट्टे देखे तुमने? इनका मुझे बताओ कि इनका क्या करना है, समझ नहीं आ रही कि ये देखो ना, ये वाला दुपट्टा, इसकी कढ़ाई कराऊं, लेसेस लगाऊं, क्या करूं, जरा मशवरा दो मुझे। आंटी अगर आप इस दुपट्टे की बात करें तो कॉपर की एम्ब्रॉयडरी और गोल्डन कलर में इसकी पाइपिंग करवा लेते हैं। और इसका बताओ? आप एक काम करें ना, आप ये दुपट्टे मुझे दे दें, मैं ये मुकम्मल करके देती हूँ। तुम खुद करोगी? हाँ, तो इसमें मुश्किल वाला क्या काम, मैं आपको आज ही मुकम्मल करके दे दूंगी, ये सब दुपट्टे में अलग कर देती हूँ। बहुत प्यारी बच्ची है तुम, जीती रहो। अच्छा मुझे ये बताओगे, एक तो पहले ये सेट देखो कैसा ही है। बहुत खूबसूरत है। पसंद आए तुम्हें? बहुत प्यारा है। बहुत मेहनत की है मैंने, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कौन से सेट लूं, पूरी मार्केट घूमी हूं फिर जाके लिए मैंने ये। अच्छा है ना? बहुत खूबसूरत है आंटी, आपकी चॉइस बुरी कैसे हो सकती है। और ये देखो, ये तो बहुत ही हसीन है, ये लहंगे के साथ कैसा लगेगा? बहुत खूबसूरत। ठीक है, मैं फिर आपको हर चीज की लिस्ट बनाकर मैसेज कर दूंगी। हाँ बेटा, ये ब्लैक वाले की चूड़ियां रहती हैं। Thank you.
कितने प्यारे बाल हैं तुम्हारे, क्यों खराब कर रही हो? कभी कुछ लगाती हो कभी कुछ। क्यों, तुम्हें क्या है? मेरी मर्जी, जो चाहे लगाऊं, मेरे बाल हैं। ठीक है बाबा, जो दिल चाहता है करो, तुम्हें तो सात खून माफ। क्यों क्यों माफ है? इसलिए कि आप मुझे पसंद करते हैं? क्या देख रहे हैं इसे? देख रहा हूं, कितनी आसानी से कह दिया ना तुमने, तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है ना। बड़े खुदगर्ज निकले आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं है, और आपको है दूसरों की फीलिंग्स की कदर। देखो जवेरिया, अगर तुम आयशा की फीलिंग्स की बात करिए तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने अम्मी को बता दिया था, अम्मी की गलती है, सुना कुछ और समझा कुछ। बहुत ही कम सर्फ निकले। अपने बारे में क्या ख्याल है? मैं वो कमिटमेंट करती नहीं हूँ एहतिशाम, जिसे मैं पूरा ना कर सकूं। तो मेरी तरफ से बहुत क्लियर है, मुझसे ना कोई उम्मीद मत रखना। आप ही नहीं हूं मैं जो दूसरों की खुशियों के खातिर अपनी खुशियों की कुर्बानी देता हूं। आयशा बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हारे आने से बहुत ढारस हो गई मुझे, वरना ये इतने सारे काम मैं अकेले कैसे करती। कितना रह गया बेटे? आंटी बस थोड़ा सा रह गया, मुकम्मल होने वाला है। आ जाओ। बेगम साहिबा, डिजाइनर निशु बीबी का ड्रेस देकर गया है और दुपट्टे की दो ऑप्शन देकर गया है, कहा है जो आपको अच्छा लगे वो इस्तेमाल कर लीजिएगा। अच्छा किया वो खुदी आ गया, वरना मैं उसे कॉल करने वाली थी। अच्छा तुम ऐसा करो, दो कप चाय और सैंडविच दे जाओ, भूख लग गई है, जब खाना तैयार हो तो बता देना। जी अच्छा। कौन सा जाएगा इसके साथ? ये आयशा बेटा जरा बताना, इस ड्रेस के साथ ये कौन सा दुपट्टा ज्यादा अच्छा लगेगा? मैं? हाँ बल्कि इधर आओ, खड़ी हो, उठो ना लगे, लग तो रहा है मुझे ये पहन के अच्छा लगेगा। माशाल्लाह, इसको ओढ़कर तो तुम बहुत हसीन लग रही हो, बगैर मेकअप के भी ये दुपट्टा इतना अच्छा लगा है तुमने, यकीनन अनुषे पे भी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आंटी वो पूरे ड्रेस की लुक तो मेकअप के साथ ही अच्छी लगती है ना। लेकिन तुम ऐसे भी बहुत प्यारे लग रही हो, पता है तुम्हें? किसका फोन आ गया? हेलो जी, कौन? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही, एक सेकंड। हेलो जी, दुपट्टा तो अनुषा की एंगेजमेंट का है। तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि किसी की चीज को टच नहीं करते विदाउट परमिशन? इस घर में आती हो, अपनी लिमिट्स में रहो, हर चीज में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? अस्वस्थ सर, लगता है ये आपकी पुरानी आदत है तहकीक के बगैर लोगों से बदगुमान होने की। पहली बात, मुझे कोई शौक नहीं आपकी मंगेतर की चीजों को यूज करने का। आपकी अम्मी ने पहनाया था तो मैंने पहना था,
और अगर यकीन नहीं आता ना तो जाके अपनी अम्मी से पूछ लीजिए, इन चीजों की वैल्यू आपके लिए होगी, मेरे लिए नहीं। और इन मामूली चीजों का भरम ना किसी और को जमके दिखाएगा, मुझे नहीं। बेगम साहिबा, खाना लगवा दूं? हाँ, खाना लगवा दो और फ्रूट राइफल फ्रिज में रखा वो याद से रखना। जी अच्छा। आयशा ने नमाज पढ़ ली होगी तो मेरे पास भेजो उसे। जी अच्छा। बहुत प्यारी बच्ची है आयशा। अच्छा। हाँ। अच्छा आंटी, अब मैं चलती हूँ। क्यों बेटा, क्यों चलती हो? खाना लग रहा है, खाना खा कर जाना। नहीं आंटी, मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं है और अम्मी भी घर पे इंतजार कर रही होंगी मेरा। मेरी नायला से अभी फोन पे बात हुई है, मैंने उसे बता दिया है कि आयशा खाना खा कर आएगी, तुम परेशान मत होना, आराम से बैठो, खाना लग रहा है, खाना खा कर जाना। चलो शाबाश, बैठो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। खालदा अप्पा, कैसी हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है? जी ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में अस्वत को भेज देता हूँ, वो ले जाएगा आपको डॉक्टर के पास। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खालदा अप्पा का फोन था, 3-4 रोज से कह रही थी कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मेरे पास वक्त ही नहीं था। अस्वत बेटा, खाना खा के खालदा आपा को जरा डॉक्टर के पास ले जाना। क्या है बाबा, खालदा आंटी को हर काम के लिए हमें ही कॉल करनी होती है, जैसे हमने उनका ठेका उठा रखा है। बुरी बात है बेटा, ऐसे नहीं कहते, वो बेचारी बेवा है, हमारे सिवा उनका है ही कौन। मामा, मुझे एक जरूरी काम से जाना है, मैं बस निकल रहा हूँ। अच्छा बेटे, ऐसा करो, जाते हुए खालदा आपा के घर मुझे छोड़ दो, मैं उन्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगी। ठीक है। हाँ। फिर तो आंटी आप जिहाद का सवाब पालेंगी। जिहाद? जी आंटी, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि जो शख्स बेवा औरत की खबर गिरी रखता है या उसकी जरूरियात पूरी करने के लिए भाग दौड़ या जद्दोजहद करता है, वो मुजाहिद फी सबीलिल्लाह का अजर पाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी बात की है तुमने माशाल्लाह से। शकील, मैं तो आज से खालदा आपा के सारे काम अपने हाथों से खुद करूंगा। सुन ले